I was a telecom engineer basically, and I joined my telecom field in 1993. So I left telecom in 2009. All these years, मेरे को ये रहा कि मैंने को एक ही जॉब के बाद दूसरा जॉब, दूसरे के बाद तीसरा जॉब, तो हमेशा एक स्ट्रेस बिल्ट अप रहा मेरे दिमाग में, और हमेशा ही कोई ऐसा रहता था, एक असाइनमेंट ख़त्म हुआ तो दूसरा हो गया. देन आई स्टार्टेड माई करियर विद ओनली 900 rupees इन 93, एंड व्हेन आई वाज रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब आई वाज गेटिंग 1,75,000. सो आई थॉट कि इस चीज़ से मुझे बाहर जाना है. एंड वन आई विल वांट टू शेयर वन थिंग दैट आई मेट समबडी इन अ फ्लाइट. So he was working with some big company, and as I was getting 20 lakhs or mujhe 20 lakh milte the, so he was getting 2 crores. So he told me this, that it is not the chasing money is the motive of your life. So उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप लाइफ को जीना शुरू कर दो. सो मुझे लगा कि मैं एक बार इसके इससे बाहर निकलूँ जॉब से, और क्योंकि मुझे फार्मिंग और मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से था, तो हमेशा ये रहता था कि फार्मर्स के लिए कुछ करा जाए और या कुछ ऐसा ट्रेंड सेट किया जाए कि लोगों को लगे कि हाँ, फार्मिंग भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है या सस्टेनेबल हो सकता है. तो मुझे लगा कि मैं इससे बाहर आके और ये शुरू करूँ. तो देन आई इन 2009 में देन आई स्टार्टेड विद पॉली हाउस एंड नेट हाउस, और उसके बाद फिर 2014 में मैं ऑर्गेनिक पे शिफ्ट किया अपने फार्म को. सो दिस इज़ द स्टोरी. मैं तब से लेके आज तक एंड आई एम इन्जॉइंग दिस, क्योंकि डेली इसमें नया चीज़ आता है, नया हर चीज़ चेंज दिखती है. यहाँ डेली क्रॉप इज़ चेंजिंग, यू नो, ट्रीज आर चेंजिंग. सो इट्स बेटर और लाइफस्टाइल के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने फार्म में या जहाँ पे भी आपको ऐसा नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए.